ओम शांति। 7 फरवरी 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। प्रश्न। बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आई है? उत्तर। जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे, उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है, बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाढ़ी माना उतराव चढ़ाव भी होता है ना, बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं है, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत छीछी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है
नई दुनिया, तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रही हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रही हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, या तो है योग बल या सजाएं। हरेक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बिगर वापिस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं, कलयुग अजुन छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं, कल्प पहले बाप ने कहा था मामेकम, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी, यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं, कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातिरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं, बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। पांच भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं, आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। यह ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया, 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है, 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में हैं, ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना, स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है, जिसको घोस्ट कहते हैं वह सफेद छाया मुहाफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं,
हम पवित्र रहना चाहती हैं। यह आत्मा कहती है और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रही हो, वह है अपवित्र तो दुख देती हैं तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात, इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना, इस समय यह दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी पांच विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विकर्म ना करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत है ना, फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत बने हैं। कहेंगे विकर्मा जीत नंबर वन, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना, बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, माँ मेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएगा। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में
पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं, और संग तोड़, एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की, यह भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते, यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है, आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते, ना बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का, कुछ भी नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पार्ट बजाते हैं। यह हम जानते हैं, हरेक को पार्ट मिला हुआ है, वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं। यहाँ तो पार्ट बजाना है। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे, अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं, दैवी गुण धारण करो फिर भी आसुरी गुण क्यों। बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो, उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुण पुराण में भी रौरव नर्क कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, यह भी बाप ने समझाया है कि यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं, और ही तमो प्रधान बन पड़ी हैं। इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं, वह तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं, काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं, अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो, अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, यह तो ज्ञान अमृत की बात है।
त्रिपति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। यह तो बाप ज्ञान देते हैं, जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है, वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं, शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं, मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी, फिर भी समझते नहीं हैं। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है, यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते हो, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्मा जीत बनना है, इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है, याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन
सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.